अबे उठ जा, क्या हो गया तेरे को? हालत तो पूरी खराब हो चुकी है, अभी नहीं पता कि हम ऊपर पहुंच पाए। अल्टीट्यूड इसका 2875 मीटर करो। स्नो लाइन दिख रही है यहाँ पे, इसको ना ठंड लगी है। इसको टाइम पास करने के लिए हमने चल रील्स वगैरह भी काफी सारी बना ली है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल माउंटेन ड्रग। और आज आपको दिख रहा होगा कि हम ट्रैक पे हैं अचानक से, बिकॉज आज सुबह काफ़ी मौसम ख़राब था, तो ट्रैवलिंग का व्लॉग हम नहीं बना पाए, सीधे डायरेक्ट ट्रैक पे आ चुके हैं। तो आपको बता दें, ये ट्रैक जानते होंगे ज़्यादातर लोग इसको, ये देख लो, यहाँ से गेस कर सकते हो आप कि ये कौन सा ट्रैक है। गाइज हम जा रहे हैं आज त्रुंड, वहाँ पे करेंगे आज कैंपिंग, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी फिलहाल के लिए अकेला हूँ मैं, बाकी मेरा फ्रेंड जा रहा है, काफी आगे जा चुका है। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। ये जैकेट देख के और ये वेदर देख के ये मत सोचना कि हम सर्दियों में ट्रैक कर रहे हैं, ये गर्मियों का मई का स्टार्ट, फर्स्ट मई आज, सेकंड मई का ट्रैक है ये। और चेक कर लो यहाँ पे ठंड, ये बंदे ने जैकेट डाल रखी है, जैकेट, और मैंने खुद भी हुड डाल रखी है, मतलब ठंड बहुत है यहाँ पे, फील हो रहा है कि हाँ भाई हम सर्दियों में आ गए हैं। थोड़ा चलने के बाद ना कुछ ऐसा व्यू देखने को मिला, चेक करें यार ये, और नीचे से बादल आ रहे हैं, आने दो। अभी हम ये बादलों से भी ऊपर जाएंगे, ट्रैक काफ़ी लंबा है हमारा, अभी तो खींच के हमने 1 किलोमीटर भी नहीं करा, और 7 या 6 किलोमीटर अभी बाकी है। चलो चलेंगे धीरे धीरे, उतनी देर हम रेस्ट करते हैं, भाई मेरे से बैठा नहीं जा रहा। सो मिलते हैं अब ऊपर जाके। अभी जंगल में यार रिस्क रहता है, बालू वगैरह ऐसे जानवर कई सारे घूमते हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। देखो भाई क्या डरावना लग रहा है ये, जिसका डर था ना वही हो गया, बारिश लग गई है भाई यहाँ पे। अभी मेरे को ना ऐसे रेनकोट डालना पड़ा अपना बैग बचाने के लिए, बड़ा सा काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। फिलहाल अभी जल्दी से कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं छुपने के लिए, क्योंकि बारिश में हम नहीं जाना चाहते ऊपर, वैसे भी बहुत ठंड होगी, अगर हम गीले हो गए ना तो दिक्कत हो जाएगी ऊपर। गाइस जल्दी से हम पहुँचे कोई बढ़िया सी सेफ सी जगह पे, जहाँ पे हम छुप सकें। बड़ी प्रॉब्लम हुई यार हमें यहाँ ऊपर तक आते, देखो हालत तो पूरी ख़राब हो चुकी है, अभी नहीं पता कि हम ऊपर पहुँच पाएंगे या नहीं, गीले हो चुके हम पूरे, टोटली गीले। ये देखो यार मौसम चेक करो, तबाही मौसम है। रास्ते में हमें 2 वाटरफॉल मिले भाई, उसका फ्लो इतना बढ़ चुका था ना बारिश में कि हमें पता है हम कैसे पार करके आए हैं उसे, क्योंकि हम ऐसी जगह पे फंस गए थे, ना हम पीछे जा सकते थे ना और आगे। अभी हम ट्रैक के आधे रास्ते पे पहुंचे हैं, ये छोटी सी हट थी, क्या है मैजिक व्यू भाई, ये मैजिक भाई, ऐसा मैजिक मिलता है यहाँ पे। सब दिखे मुझे धुंधला, ना जाने ये कैसा जादू है। ओ भाई बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, अभी हम यहाँ पे पहुँचे और बारिश भी थोड़ा कम भाई, अभी हमें लग रहा है कि हमें वापस जाना पड़ेगा, ये ट्रैक अभी हमें कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज हम रिस्क नहीं लेना चाहते गाइस, क्योंकि अभी यहाँ पे ये हाल है और ऊपर क्या होगा सोच नहीं सकते। तो देखते हैं, अभी चाय वगैरह पीते हैं और चलते हैं, ये भैया जी के पास रुके हैं हम। सो गर्मा गर्म चाय पी लो गाइस। क्या मस्त थी यार वो ट्रेल, दिख रही है
वहाँ से सारा क्रॉस करके आया और कुछ ये फॉरनर्स आए हैं ट्रैक करके, ये तो बोल रहे हैं कि ठीक है आज चले जाओ आप, बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी देखते हैं क्या करना है, तब तक के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा रील शूट करते हैं और मिलते हैं आपको। ओ भाई उठे, हेलो, अबे उठ जा, क्या हो गया तेरे को? मोहित, ओ मोहित, क्या हो गया तेरे को भाई? ठीक नहीं तो चलते हैं वापिस। नहीं यार जाना होते हो ना भाई, अपनी हाल। टाइम हो रहा है 3:02 और अभी तक ऊपर नहीं पहुंचे हम, क्योंकि ये ना अभी मोहित बहुत ज़्यादा थक चुका, बीमार हो गया, चला नहीं जा रहा इससे। ये तो मेरे को अभी से मोड़ के बाद कुछ मिलेगा पता क्या मिलेगा? रास्ता अभी और है भाई, ओ भाई क्या व्यू है यार, खतरनाक। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम त्रुंड, ये चेक करें त्रुंड भाई, हम पहुंच चुके हैं। अल्टीट्यूड इसका 2875 मीटर है, सो वी गॉट इट, हम पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं अभी कैंप लगाने के लिए जगह कोई बढ़िया सी, कहाँ हम अपना टेंट लगाएं, बिकॉज सब जगह ना ऐसे ख़राब सी हो रखी है। तो देखते हैं, सब बारिश है। ये टेंट वाले भैया से पूछते हैं कि भैया बताओ कहाँ टेंट लगाएं। पहले बात बता दूं कि यहाँ पे ना अपनी कैंपिंग नहीं कर सकते, ये प्राइवेट प्लेस है एक हिसाब से, यहाँ के लोकल बंदे कैंपिंग करवाते हैं और बाहर के बंदे को कैंपिंग करने की परमिशन नहीं है। सो देखते हैं अभी क्या करते हैं हम ना त्रुंड पे तब पहुँच चुके हैं टॉप पे, और चाय वगैरह पी के भैया से थोड़ा सा परमिशन ले लिया कि हाँ भी टेंट लगा सकते हो तुम लोग अपना, बट लेकिन इस एरिया से थोड़ा दूर। अब देखते हैं, अभी निकला हूँ बाहर देखने के लिए, थोड़ा सा मुआयना हो जाए जगह का कि हाँ भी कहाँ पे हम टेंट लगाएं। वही यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, ठंड ठंड बहुत है यहाँ पे। अभी भैया बोल रहे हैं रात को टेम्परेचर यहाँ माइनस पे जाएगा, तो अभी देखते हैं। मुश्किल तो काफ़ी होगी क्योंकि बिकॉज हमारे कपड़े भी गीले हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं भी नहीं भाई, अब देखो क्या होगा हमारा। मैं मुझे ना एक जगह मिल गया अपना रात का सेटअप करने के लिए, ये वो सामने पहाड़ दिख रहा, वो गैप है, थोड़ा हवा का भी रहेगा बचाव, अगर पानी आएगा तो स्लोप के साथ नीचे चला जाएगा, तो वो मेरे को बढ़िया लग रहा है। तो करो, स्नो लाइन दिख रही है यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड व्यू है भाई, क्या मतलब हो, सुकून मिल गया, इसी के लिए तो आए थे हम यहाँ पे। गाइस हमने ये जगह डिसाइड कर लिया है, यहाँ पे हम अपना टेंट लगाएंगे, तो टाइम लैप्स लगाते हैं और देखो आप भी कैसे लगता है अब टेंट। हम दूर भागे तेरे बिना, गाय हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरे। सो फाइनली गाइस हमारा टेंट भी लग चुका है, अब कुछ नहीं करना, हमने ना थोड़ा सा कुछ बनाएंगे खाने के लिए, और इस व्लॉग को ना यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि हम व्लॉग को ना काफ़ी लंबा बना चुके हैं, तो व्लॉग हम दो पार्ट में रहेंगे अब, बाकी का व्लॉग आप आगे देखना। ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे।